हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि इस न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ये जो न्यू मून है आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। मतलब आपको क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं और आपको क्या वार्निंग मिल सकते हैं, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आप बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से बच जाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके राह के सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस ख़त्म हो जाएँ। तो वो सारी चीज़ें आपको रीडिंग में पता चल जाएंगी। और इस न्यू मून के वजह से कुछ रेमेडीज़ आता है, कुछ गाइडेंस आता है आपके आगे आने वाले डेस्टिनी के लिए, लाइफ के लिए, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये न्यू मून जो है बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके लाइफ पे इफेक्ट डालने वाला है, तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपके लाइफ के लिए, आपके आगे आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आप चाहे तो दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, आप मुझसे सिर्फ मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे क्लिक करोगे तो आप मेरी जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आपकी रीडिंग जो है मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, सभी लोग देख सकते हैं। अगर नज़र के सामने कभी भी आ गई तो आप देख लेना, क्योंकि गाइडेंस डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेजोनेट ज़रूर कर जाएगा। और LGBTQ कम्युनिटी हो, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए है, कोई भी एज ग्रुप वाले हो। ठीक है, और साथ साथ दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, इससे क्या होगा कि जो परेशानी में है उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। साथ साथ अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपका कर्म अच्छा होगा, है ना। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, कैसे आपको पाइल सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी, ताकि आराम से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाओ, कार्ड सेलेक्ट कर पाओ। सो पाइल यहाँ पे है आपका, अगर बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे कार्ड भी आपके लिए, तो कार्ड है आपका दिस वन, वाटर गार्डियन, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड पाइल 2 के लिए है आपका एनिमल गार्डियन, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सो आपको जो है ना इंटिट्यूली सेलेक्ट करना है, मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहेगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या न्यू मून का इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, इनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है न्यू मून के वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड से शुरुआत हो रही है रीडिंग, न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से न्यू मून आ रहा है ना, और आज ही से है आपका न्यू मून, तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक शुरुआत हो रही है, एकदम न्यू शुरुआत हो रही है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए, आपका न्यू कैरियर हो, न्यू हर एक चीज़ें मुझे न्यू दिखाई दे रही है। कैसे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस न्यू मून पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। ठीक है, और ये भी हो सकता है ना कि शायद आपके लाइफ में कोई इंटर करने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, दिस वन, ओके, टेम्पटेशन, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस 8 डेज के अंदर ख़त्म होने वाले हैं, 8 डेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पावर का भी कार्ड है, एंड एक यहाँ पे देखते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने लाइफ में जैसे कि कुछ अभी के टाइम में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाह रहे हो, या घर बसाना चाह रहे हो, किसी से शादी करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि
इस न्यू मून के वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी वगैरह फिक्स होने वाली है, और जहाँ शादी फिक्स होने वाली है वो जगह बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जगह कहने का मतलब है जो स्टेट होगा, जो कंट्री के वो पर्सन होंगे जहाँ आपकी शादी फिक्स होगी, वहाँ पे वो माहौल बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और जो स्टेट से ये पर्सन बिलोंग करते होंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। कहने का ये मतलब है कि सबसे पहली बात, जिस घर में आपकी शादी हो रही है वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो सकती हैं इनके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ही रिच हो सकते हैं। मतलब आपने जो सोचा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उसके बियॉन्ड जाकर वो लोग रिच हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके या तो जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इंक्रीजमेंट आ रहा है, या तो आप खुद अपना घर प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। दूसरी बात, यहाँ पे ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो शादी फिक्स होगी आपकी 6 डेज के अंदर, हो सकता है कोई कोई नया रिश्ता आए, या फिर 6 वीक लग सकता है और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं। मतलब 1.5 महीने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है आपकी लाइफ में। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप वाटरफॉल को देखते हो, रेनफॉल को देखते हो, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है। वाटर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। आपने जो कार्ड चूज़ किया वो भी वाटर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वाटर बिल्कुल शांति का प्रतीक होता है, उस तरीके से आपका जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका बहुत दिन से सपना था कि मुझे ये घर खरीदना है, मुझे ये प्लेस लेना है, या फिर मुझे किसी और जगह शिफ्ट होना है, तो ये चांसेस है कि कहीं आप शिफ्ट होने वाले हो, मे बी 1.5 महीने के अंदर ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जिस जगह पे आप अभी रहते हो वो जगह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हो, आपको निगेटिव एनर्जी फील होती होगी, वहाँ रहना नहीं चाहते। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी घर के तलाश में हो, आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छा घर आपको मिल जाए, तो चांसेस है कि यहाँ पे घर भी मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को तो वर भी मिल रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर भी आपको मिल रहे हैं, फ्यूचर स्पाउस भी मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता तो नहीं चलेगा कि ये रिलेशनशिप वाले ही मेरे डिस्टेंट पार्टनर हैं, लेकिन धीरे 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 आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग रिलेशनशिप में आएंगे, हो सकता है कि बस क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्यार वाला बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप दोनों इस पॉइंट पे आओगे कि शादी करनी है, ऐसा हो जाएगा। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको 1 महीने के अंदर मिले, और शादी की बात जो है 6 मंथ तक आप लोग कर लोगे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यही बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी इस धरती पर रखे सपना है, जैसे कि घर हो गया, धन दौलत हो गया, पैसे हो गए, जॉब हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस न्यू मून की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि सिर्फ पैसे धन दौलत, बल्कि आप किसी भी चीज़ में देखोगे तो प्रॉस्पेरिटी मान सकते हो, जैसे प्यार में प्रॉस्पेरिटी हो गया, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में प्रॉस्पेरिटी हो गया, ये सारी बातें हैं। और ये तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुका है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, शादी भी आपकी फिक्स हो जाएगी, और जहाँ फिक्स होगी वो लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी रॉयल टाइप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस इन लोगों का हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, मैंने ये बता दिया। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अरेंज मैरिज है वो फिक्स हो रही है, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और जो रिलेशनशिप में इस बार जिस पर्सन के साथ आओगे एकदम बिल्कुल इक्वालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में सिक्योरिटी दिखाई दे रही है और स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपने पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पूछ के कर रहे हो, पूछ के नहीं कर रहे हो, पूछ के करोगे तो फिर तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि आप उसको अपने लाइफ का डोर हाथ में दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शेयर कर रहे हो, और आपके जो पर्सन हैं वो हर एक छोटी छोटी बातें वो भी शेयर कर रहे हैं आपसे, जो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोई या तो आपके लाइफ में इंटर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, और हो सकता है कि दूर दूर से ही आप लोग मिलोगे, मे बी चांसेस है कि मैट्रिमोनियल साइट पे मिल जाओ, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन हाँ ज़रूर किसी ना किसी से बात होने वाली है। हो सकता है एक ही दिन के अंदर इस पर्सन का, किसी न्यू पर्सन का कॉल मैसेजेस आ जाए, ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि उसने अपने आईडी में बहुत सारे से पिक्चर लगाए होंगे जो कि नेचर से रिलेटेड होगा, नेचर में होकर उसने पिक्चर क्लिक की होगी, हो सकता है कि वो नेचुरल फोटोग्राफर हो सकते हैं, उनको फोटो क्लिक करना बहुत पसंद होगा, वो भी नेचर का, लोगों का नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि यस डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है प्यार की। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है
कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके करेंट पार्टनर के साथ ही आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग रेडी नहीं है किसी न्यू रिलेशन के लिए, आप अपने करेंट रिलेशन को ही अच्छा करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो करेंट रिलेशन है वही बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसी में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा शुरुआत हो रही है, अच्छी तरीके से स्मूथली आपका लाइफ जा रहा है और इनलेस कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि आपका कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, इनलेस लव हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो बहुत ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप लोग अगर थोड़े से इमोशंस में कमज़ोर हो, ठीक है, या तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका ओवर इमोशंस रहता है, बहुत इमोशनल रहते हो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली नहीं रहते हो, बहुत रूड टाइप रहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने इमोशंस से आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई ऐसे आपके लाइफ में इंटर कर रहा है जो कि आपको इमोशंस के बारे में समझाएगा, या फिर वो आपको इमोशंस फील कराएगा कि एक्चुअली में फीलिंग क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, और हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं वही पर्सन आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपका कोई ऐसा ड्रीम है जिसको आप सिर्फ दूर से देख पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम तो मेरा पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है जो कि सिर्फ सच में ड्रीम ही जैसा आपको लगता होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अब वो आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आप उसको बहुत दूर से पसंद करते हो, वो बहुत किसी और कंट्री का हो, कुछ भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये दिखाई दे रहे हैं कि वो पर्सन आपके पास वापस, या फिर हो सकता है कि वो आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने करंट पार्टनर से या पास्ट के पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपसे बहुत दूर चले गए हैं, आपको ऐसा फील होता है और आप चाहते हो कि वापस से वो आपके लाइफ में आ जाए, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जो कि आपको बिल्कुल मजाक जैसा भी लगता होगा, चलो मैं सोच तो ले रहा हूँ, मैं तो सोच तो ले रही हूँ, पर वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो टाइम होगा 8 मंथ्स। ठीक है, 8 महीने, लेकिन डेफिनेटली पूरा होगा। यहाँ पे किसी चीज़ के लालच से आपको बच के रहना होगा, क्योंकि गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स आगे आने वाले टाइम में आपका टेस्ट लेगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इस न्यू मून की वजह से थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में क्रिएट होंगे, तो वो कैसा होगा ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में आए और आपको कुछ गलत चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं जिसके वजह से आपको लाइफ टाइम एडिक्शन लग सकता है, बुरी चीज़ें हो सकती हैं, आपके हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि लालच जैसी चीज़ों से आगे आने वाले 5 डेज़ और 15 डेज़ के अंदर आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, बच के रहना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि या तो आपको कहीं राह चलते हुए, कहीं आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, या फिर घर पे भी कहीं कोई भी उठ के आ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा लालच देने लगता है, कॉल पे भी कॉल आ जाता है, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम ये कर लो वो कर लो, तो इन सारी चीज़ों में बहकना नहीं है, बच के रहना है, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसको एकदम अपने दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा कोई लालच देने वाला पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल इससे बातें नहीं करनी है, उसको एकदम अच्छे से या तो कॉल पे है तो कॉल कर देना है। ठीक है, एकदम ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। ऑलराइट, दूसरी बात यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। कुछ लोग अगर अपने लाइफ में एकदम न्यू पार्टनर चाहते हो, ठीक है, तो चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, कोई एक ही न्यू पर्सन अभी आपकी लाइफ में आएंगे इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और कुछ लोगों का मैंने ये भी बताया है कि आप अपने करंट पार्टनर के साथ और भी बाउंडिंग अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक बहुत डिफरेंट मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने सोल पर्पस के तलाश में निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि कुछ लोग इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से आप अपने सोल पर्पस पे भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे आने वाले टाइम में कुछ नया अपने लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे होते हुए आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये है आपका कि आपके लाइफ में कुछ नए डोर खुल रहे हैं, वो डोर होगा नए स्किल्स का, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ नए स्किल्स भी सीखने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पावर का कार्ड है, पावर कार्ड आपको ये बता रहा है, बहुत सारे मैसेज है। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर आ रहा है चीज़ों को करने का, क्योंकि अब आप समझ चुके हो क्योंकि जैसे मैं बिहेव करूँगी सामने वाला भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा, तो इससे बेटर है कि मैं पावरफुल एनर्जी में रहूँ तो सामने वाला भी मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा। तो एग्जैक्टली इस बात को एकदम समझ लीजिए।
और दूसरी बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसा पावर पोजीशन मिल सकता है, ऐसा कोई जॉब मिल सकता है जिसमें काफ़ी पावर होगा, पोजीशन होगा, लोग जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं, हो सकता है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ऑफिसर लेवल के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और वो पर्सन बहुत पावरफुल होंगे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस उस पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है। काफ़ी सुपीरियर कॉन्फिडेंस वाले वो पर्सन होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे, डायनेमिक एनर्जी होगी, ठीक है, और आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में इस न्यू मून की वजह से ऐसा हो सकता है कि लोग तो आपको हो सकता है बेवकूफ़ समझते हो या फिर बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन समझते होंगे। लोग ऐसा समझते होंगे कि आपके अंदर कुछ क्षमता नहीं है कुछ भी करने की, लेकिन आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिससे सारे लोगों की बोलती बंद होने वाली है। इट मीन्स कि आपके जो अंदर का पावर है, इंटरनल जो पावर है, उसको जो है आप लोगों को दिखाने वाले हो। मतलब शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसा एक्टिविटी आप करोगे जिसके वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, आपके लिए तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया किस तरह का ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हो सकता है। कभी कभी लाइफ में इंसान जो है खुद ही अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी गलती की वजह से। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको पहले से ही अवेयर करना चाहता है कि अगर आपको कोई बहकाने की, बहलाने की, गुमराह करने की कोशिश करे तो आपको पहले ही बच जाना है, ठीक है, उस ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस में फंसना ही नहीं है। तो कभी कभी आप कुछ भी गलतियाँ होती है आपकी लाइफ में या किसी चीज़ का लॉस होता है तो उसके पीछे एक बार देखिए कि आपकी गलती थी या नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गलतियाँ रही होंगी। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जो है हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए, फिर हमारा क्यों नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आया। फिर उसके बाद पता चलता है ओ मैंने तो ये पढ़ना छोड़ दिया था, वो करना छोड़ दिया था, लोगों ने इसका उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा, उस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, इसलिए वो पास कर गए। तो गलतियाँ जो है खुद में भी होती है, लेकिन वो गलतियाँ नहीं होती है, एक्चुअली वो लेसन होता है लाइफ का। तो जब तक सीखोगे नहीं धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की सगाई होने वाली है और शादी फिक्स हो रही है, उस खुशी में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में अगस्त, जुलाई, सितंबर में आपका बर्थडे होगा और काफ़ी धूमधाम से इस बार बर्थडे आपका सेलिब्रेट होने वाला है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका बर्थडे होगा और उस बर्थडे पे आपको एक बर्थडे गिफ्ट मिल सकता है जो कि यूनिवर्स की तरफ से होगा, सरप्राइज होगा, और वो होगा एक न्यू पर्सन, वो हो सकता है आपका जॉब, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है ना कोई ऐसा रीज़न भेज रहे हैं जिसके वजह से आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए ये भी चीज़ है कि अगर आप रियल इस्टेट में हैं, ठीक है, तो अगर कोई अपना काम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर कोई भी बिजनेस में भी हो अगर हार्डवर्क कर रहे हो तो आगे आने वाले एक मंथ के अंदर उसका बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और घर तो डेफिनेटली बसने वाला है बहुत सारे लोगों का, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। देखते हैं और क्या होने वाला है आपके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स कैन फॉर्मेशन हैंड के लिए। बेस चक्र, देखिए यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना होगा आपको। हो सकता है कि बेस चक्र थोड़ा सा आपका डगमगा सकता है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस तो करना ही होगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी आपका जो बेस चक्र है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, उस वजह से भी आपका जो लाइफ में है प्रॉब्लम चल रहा है। अगर उस पर आप जीत हासिल कर लोगे तो फिर मतलब बेस चक्र को हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे, ठीक है, तो फिर आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लाइफ में। दूसरी बात, बेस चक्र कैसे करना है, तो आपको जो है सुबह के टाइम में उठना है और जो सूरज की किरणें होती है वो अपने बॉडी पे पड़ने देनी है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसी न्यू मून के इफेक्ट की वजह से। आगे आने वाले एक महीने के अंदर, 13 डेज के अंदर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आप भी देख कर हक्के बक्के रह जाओगे, चौंक जाओगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। तो फाउंडेशन अचीवमेंट आपको ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में जितना सेक्रीफाइस आपने किया है उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों से आप मूविंग ऑन, मतलब मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने 100% दिया और वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपके लिए वर्क ही नहीं किया, तो उसमें आप ज़्यादा समय देने से अच्छा है कि आप नए चीज़ ट्राई करो अपने लाइफ में। एंड ये कॉमन सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे अकॉर्डिंग ज़िंदगी चले, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी हमें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर अभी जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो, ट्राई कर रहे हो, शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हो, सकता है कि इससे बेहतर आपके लिए कुछ बना हो,
तो ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देखते हैं कि और यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या लाइफ चेंज हो सकता है आपका न्यू मून की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे आपका अफर्मेशन है आई एम सेफ एंड साउंड, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशन आप लिख सकते हो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका किसी चीज़ में भी हार्म हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस लगा है, तो वो ना लॉस आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है कि उसके वजह से आपकी लाइफ में और भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, एनजाइटी में रहते हो, या किसी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो ना ये क्लियर किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि अगर किसी को लेकर बहुत टेंशन में हो, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, या खुद को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि आप सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आने वाले हैं, या कोई हार आने वाला है, उन सारी चीज़ों से आप क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो, और सारा जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑल इज़ वेल ये भी कहना चाहते हैं। और आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अगल बगल जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग ट्रस्टवर्दी होंगे, कोई धोखेबाज नहीं होंगे। मतलब कि हो सकता है कि पास्ट के टाइम में या करेंट सिचुएशन में आपने हमेशा धोखेबाज लोगों को देखा है, जो डिसीवर है, डिसऑनेस्ट रहे हैं, ठीक है, लॉयल कभी नहीं रहे, आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी, अब आगे आने वाले टाइम में आपको ट्रस्टवर्दी पीपल मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, और वो आपका दिल भी जीतेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये कहना है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ, तभी तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे ना। अगर आप कहोगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ ही नहीं, तो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आपको अट्रैक्ट करना है अच्छी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें बोलिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कुछ मिल सकता है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन एंजल ऑफ काइंडनेस। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ना कि जितना आप काइंड रहोगे, उतना नेचर, उतना यूनिवर्स आपके साथ काइंड होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेशन लिखिए, आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेयर एवर आई गो। तो जहाँ भी आप जाओगे, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, या फिर कोरिया चले जाओ, जापान चले जाओ, या फिर कन्याकुमारी चले जाओ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरह ब्लेस्ड हो, और यूनिवर्स के द्वारा आपको न्यू मून की वजह से बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा। तो आगे आने वाला दिन जो है वो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट दिन हो सकता है, और आप बहुत अच्छे से जीने वाले हो। मतलब वहाँ पे जो आपको टाइम मिलने वाला है आगे आने वाला, वो बहुत, मतलब ऐसा लगना कि बहुत इंजॉय करोगे, बहुत केयर मिल सकता है आपको, अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत ज़्यादा केयरिंग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अपने फैमिली से मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फैमिली से, बल्कि बहुत सारे दोस्तों से भी मिल सकता है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, और चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में कंटिन्यू रहे, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तो आपको हमेशा एक काइंड पर्सन रहना है, और कंपैशनेट रहना है, खुद के साथ भी और अदर्स के साथ भी। यहाँ पे ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई एम काइंड एंड कंपैशनेट विथ माई सेल्फ एंड अदर, आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है, ठीक है, चाहे भाई बहन का रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का हो, कनेक्शन, या फिर कोई भी कनेक्शन है, सभी के साथ उस रिलेशन को आप बहुत ज़्यादा लविंग मैनर में इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोग ऐसे हैं कि सभी के साथ हो सकता है आप काइंड हो, हम्बल हो, लेकिन खुद के साथ हो सकता है आप बहुत रूड हो, खुद को बहुत लो लेवल का समझते हो, आप बहुत इन्फीरियर समझते हो, ठीक है। आप सोचते हो मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये सोचिए कि हाँ, मुझे इम्प्रूव करना है। आप अपनी कमी को नोटिस करके उसको लिखिए अपने जर्नल में, डायरी में, इम्प्रूव करने का सोचिए, ठीक है। अपने आप को इन्फीरियर समझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको, तो ये भी है कि कुछ नए लोग आएंगे, और जो भी नए लोग आएंगे ना, वो आपके लाइफ में दुश्मन नहीं होंगे, बल्कि आपके अपने दोस्त ही बनेंगे। उनके साथ भी आपका जो दोस्ती होगा, फ्रेंडशिप होगा, रिलेशनशिप होगा, वो बहुत अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में एक पार्टनर तो बना रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, उसके साथ साथ बहुत सारे लविंग फ्रेंड्स भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। पुराने दोस्तों से भी आपकी नई दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जो दोस्त आपसे बिछड़ चुके थे, अलग हो चुके थे, मतलब उनके साथ एक नई फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो आपका लाइफ बहुत स्वीटनेस से भर रहा है, ठीक है।
उसके साथ यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाहते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में न्यू मून के इफेक्ट की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाए, बहुत सारे लोग आ जाए, एकदम आपको भरपूर प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि आप उसको समेट ना पाओ, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जिस टाइम आपके लाइफ में कम ही लोग हों, थोड़ा कम ही प्यार मिले। तो सबसे पहले आपको यही कहा जा रहा है कि खुद को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है, खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड अगर आप बन के रहोगे ना, तो आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेम्पररी होता है ये तो चला आ रहा है, ये कुछ लोग आते हैं फिर कुछ लोग जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं फिर कुछ लोग जाते हैं, तो इस तरीके से आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसलिए यूनिवर्स आपको पहले यही कह देना चाहते हैं कि डेफिनेटली फ्रेंड्स बनाओ, बहुत सारे लिविंग फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन इतना जान लो कि वो लोग अभी आए हैं तो अपने काम से कुछ समय के लिए जा भी सकते हैं, हो सकता है फिर आए, लेकिन उस बाउंडिंग को बरकरार रखना है, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि दिमाग में बैठा लेना है टेम्पररी है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ वही है जो कि मैं हूँ, मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको फील करना है, आप अपने जेंडर अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना कि जब आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बनोगे तो आप अपने आप को बहुत स्पेशल ट्रीट कराओगे। आप बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हो तो ऑफकोर्स उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाते पिलाते हो, बहुत सारे गिफ्ट्स देते हो, ठीक है, या फिर बहुत स्पेशल ट्रीट कराते हो। तो जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे तो आप अपने आप को भी बहुत स्पेशल ट्रीट कराओगे, क्योंकि मुझे आप ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बिल्कुल भी कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, आप फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करते हो, बच्चों के लिए हो सकता है अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, घर के बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा भी कुछ नहीं करते। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने प्योरिफिकेशन पर ध्यान देना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ रही है, आपका माइंड भी क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से लिखिए आप कमेंट में, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, रिवर भी और हीलिंग रिवर भी, ठीक है। तो ऐसा मतलब आपका लाइफ होने वाला लाइक हीलिंग रिवर, जो कि जहाँ जहाँ से गुजरेगा उन सारे जगह को, ठीक है, वहाँ के पानी जो भी बह रहे हैं वो सबको हील करते हुए जाएगा, क्योंकि रिवर जो बहता है तो बहुत सारी जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है तो बहुत प्योर हो जाता है ना पानी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ, अगर आप जितना ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस करोगे तो वो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस जो है ना जड़ी बूटी की तरह है, और जितना ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस फेस करते जाओगे उतना लाइफ आपका शार्प होते जाएगा, प्योर होते जाएगा, पॉलिश होते जाएगा, चमकते जाएगा, ब्राइट होते जाएगा और हील भी होते जाएगा। तो वो चीज़ है। तो कभी भी ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक फ्लूट की तरह बन जाओ, जैसे पानी होता है ना, तो अगर आप स्क्वायर के ग्लास में डालोगे तो वैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल जैसे कुछ कंटेनर में डाल रहे हो वैसा हो जाएगा, ठीक है, आप स्फेरिकल हो गया किसी भी तरह के कंटेनर में अगर डाल रहे हो तो वैसा वो रूप ले लेगा। तो बिल्कुल भी आपको वैसे ही बनना है एक फ्लूट की तरह, मतलब जैसा भी सिचुएशन आए आपको उस पानी की तरह, उस फ्लूट की तरह बन जाना है, वैसे सिचुएशन में ढल जाना है, फ्लेक्सिबल पर्सन बन रहा है। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप सभी लोग कमेंट में लिखिए आई एम प्योर एंड क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ बेमानी हुआ है, ठीक है, या फिर आपने कुछ गलत किया है, कुछ भी किया है, तो इतना जान लीजिए कि अब आपको बिल्कुल सुधरना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ कहा सुनी हो गई, तो अगर आपको गिल्ट है, कुछ ख़राब फील हो रहा है, डेफिनेटली कमेंट पे लिखिए आई एम प्योर एंड क्लियर, जितने भी मैं मुसीबतें हैं या प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस कमेंट में मैं छोड़ रही हूँ और मैं अपने लाइफ को जीने वाला हूँ, अच्छे तरीके से जीने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है आपका, ठीक है, फुल इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से आपका लाइफ, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अगल बगल स्विमिंग पूल है तो डेफिनेटली वो कीजिए, एक रेमेडी आया है आपके लिए। क्या है, स्विमिंग पूल में आपको थोड़ा सा स्विमिंग करना है, स्विमिंग नहीं आता सीख लीजिए, ये तो एकदम नेसेसरी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, सबको सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सीख सकते हो सकता है कुछ लोग सीखने वाले हैं और हो सकता है कि इसी फील्ड में आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। खैर, यहाँ पे दूसरी बात और है, आगे आने वाले टाइम के लिए एक रेमेडी आया है कि आपको जो है ना थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड हो सकते हो, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये कहा जा रहा है कि आपको राइट अमाउंट में पानी पीते रहना होगा, ठीक है। ये मजाक लग रहा होगा आपको, लेकिन मजाक नहीं है, कभी कभी जब हेल्थ ख़राब होता है ना तो फिर पता चलता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ। हो सकता है कि गर्मी का टाइम है, बाहर निकलो,
थोड़ा सा परेशान हो जाओ, थक जाओ, डिहाइड्रेट हो जाओ, पानी ना पी पाओ, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल राइट अमाउंट में आपको पानी को पीना है ताकि आपका जो हेल्दी बॉडी है वो मेंटेन रहे। तो ये सारे रेमेडीज थे आपको खुद को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा डिटॉक्सिफाई हो रहे हो, और कैसे, तो अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, ठीक है। और डिटॉक्सिफाई कर कैसे सकते हो ये भी तो पता होना चाहिए। तो वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे आने वाले न्यू मून में, ठीक है। न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह है कि जितना आप वाटर का यूज़ करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके मन में शीतलता आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। जैसे अगर कोई घाव होता है ना, तो कोई चोट लग जाती है, तो उसे साफ करने के लिए वाटर का यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बाथ लेते हो तो थोड़ा लॉन्ग बाथ लीजिए, जैसे 10 मिनट्स का ले रहे हो, 15 मिनट्स का ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। कुछ वाटर के रेमेडीज़ कर सकते हो, जैसे जल अभिषेक कर सकते हो आप, सूरज जो सन उगते हैं तो वहाँ पे जल अभिषेक आप कर सकते हो, जो प्लांट होते हैं उसमें पानी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, ये रेमेडीज़ आ रही है, इससे क्या होगा कि आपके जो लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व होगा। बहुत बहुत ज़्यादा सॉलिड रेमेडीज़ आया है आपके लिए वाटर से रिलेटेड। और वाटर ऐसा चीज़ है ना जो कि ईजिली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा, आपके घर में ही मिल जाएगा, और कितने भी टैप खोल दो बहुत सारे पानी मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली आपको ये करना है, ठीक है। और राइट, और मैं आपको बता देती हूँ, अपना हेल्थ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पेरेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखिए, घर में भी कुछ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। जैसे कि उनको भी समझाइएगा कि कैसे क्या करना चाहिए, डाइट प्लान कर सकते हो। तो वेल, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्यों आप बहुत सारे ना अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो लॉयल पीपल, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कमेंट में लिखिए, आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इन टू माई लाइफ, आई एम लॉयल टू माई फ्रेंड्स एंड टू माई सेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक रेमेडी और है कि आगे आने वाले टाइम में जितना आप अपना डिवोशन दिखाओगे, किसको, यूनिवर्स को, ठीक है, जितना आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने वाले हो उतना ज़्यादा छप्पड़ फाड़ के चीज़ें आपको मिल रही हैं यूनिवर्स के तरफ से। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर पा रही हूँ कि आपकी फिजिकल जो फिजिक है, बॉडी है, उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ अगर मीनिंगफुल थी तो आपका लाइफ भी मीनिंगफुल हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप घिसा पिटा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ख़राब हो गया है, कोई ट्रस्ट इशू, बहुत सारे ट्रस्ट इशू है, कोई ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर आपका रिलेशन ख़राब है ना, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है, ठीक है। एक दूसरे के लिए जीने वाले हो, पॉइंटलेस से क्या हो रहा है, मीनिंगफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी चेंज हो रहे हैं, वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वाली बाउंडिंग भी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि जो भी लोग रिलेशन में हैं, है ना, उनका रिलेशनशिप फिर से बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें फेथफुलनेस आ रहा है, लॉयलनेस आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे के लॉयल हो रहे हो और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो रहे हो प्यार के लिए, एक दूसरे के प्यार को समझ रहे हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो लॉयलिटी की इश्यू थी वो ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है, ठीक है। उनके लिए तो डेफिनेटली है जो कि सिंगल है, या फिर अगर आप सिंगल मदर हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, या डिवोर्सी है, अगर आपको नेक्स्ट पार्टनर चाहिए, शादी करना है, तो डेफिनेटली आपको न्यू पर्सन भी मिलेंगे। और वो कब तक मिल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पर्सन आपको मिलेंगे 1 मंथ के अंदर, ठीक है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। मुझे ऐसा बार बार लग रहा है ना कि आपके लाइफ में जो फ्रेंडशिप नाम की चीज़ है, अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है कि अभी आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसने वाले हो जिसमें आपके दोस्त जो है वो आपको बचाने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, उनके साथ जो फ्रेंडशिप होगी वो एंड होके और भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, ब्लॉसम होते हुए दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रही है। और आप बहुत लकी पर्सन हो कि आपको बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मिले हैं इस जन्म में, इस ज़िंदगी में, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है।
उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न का कार्ड आया है। तो ट्विस्ट एंड टर्न कार्ड यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में केयरफुल रहना होगा। अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो तो उसके लिए केयरफुल रहना होगा। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बड़े बड़े चेंजेस तो होंगे लेकिन उसमें बहुत सारे लोग इंटरप्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और देखते हैं किस चीज़ से अवेयर रहना है, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। ओके, अचीवमेंट का कार्ड है तो ये अच्छी बात है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो न्यू मून के इफेक्ट की वजह से। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि समवन हेल्प कुड, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको या तो खुद का हेल्थ का ध्यान रखना है या फिर किसी और का हेल्थ का ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के हेल्थ में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, दिक्कत आ सकती है आपके फैमिली में भी, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है अगर वो थोड़ा सा ध्यान ना दे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन हो सकता है, तो इसका ख्याल रखना है, ठीक है? ये चीज़ है। तो मैं सभी को यही बोलूँगी कि अपना डाइट वगैरह बना के रखें, इससे क्या होगा ना कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन है। एक लास्ट देखते हैं क्या है। लास्ट वन इज़ आपका साइन। तो यहाँ पे योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके, यहाँ पे ही बताया जा रहा है ना कि आपका जो फ्यूचर है खुद ही जो है ना वो रिवेल होने वाला है और आपको पता चलने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चलने वाले हो। आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन जो चल रहे हैं अभी, ठीक है, बिना डाउट और कन्फ्यूजन के तो परेशान हो नहीं, तो ऑफकोर्स जो डाउट एंड कन्फ्यूजन आपके लाइफ में चल रहे हैं वो सारे डाउट एंड कन्फ्यूजन डिसअपियर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और कैसे ख़त्म होंगे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप बिल्कुल एकदम राइट पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो ये रीडिंग है आपकी। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक रिवाइव, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइलचू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल एनिमल गार्डन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सो न्यू मून का कार्ड देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, किसी भी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। जीमेल और इंस्टा आईडी मैंने शो कर दिया है आपको स्क्रीन पे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, न्यू मून का किस तरह इफेक्ट पड़ेगा इनके लाइफ पे। सबसे पहले दिस वन ऑल राइट, दिस वन, ओके। मुझे यहाँ पे ना आपका करेंट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कार्ड्स खुद ही बता रहे हैं कि आपका करेंट सिचुएशन भी क्या है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। तो जो टेंशन आप ले रहे हो ना, शायद वो बहुत अननेसेसरी टेंशन है और इस टेंशन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसे भी कोई टेंशन लेते हो ना तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है? टेंशन तो कभी भी किसी चीज़ का लेना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर बहुत घबराहट है, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत टेंशन चल रहा है, तो वो चीज़ ख़त्म होगा। मतलब ऐसा हो सकता है आपका सिचुएशन कि आप किसी एक जगह पे खड़े हो और आपके चारों तरफ क्या है, स्कॉर्पियो हो, बिच्छू हो, और आप समझ में नहीं पा रहे हैं कि मुझे कैसे यहाँ से निकलना है। अगर मैं थोड़ा सा हिलता हूँ या हिलती हूँ तो कहीं मुझे डस ना ले, ठीक है? तो ये चीज़ आपका सिचुएशन चल रहा है। मतलब इतना भी हो सकता है किसी का वर्ष ना हो, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है, परेशानी में हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये सारे जो बिछुए हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, वो आपके लाइफ से गायब होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं और आप एकदम चैन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से, ठीक है? न्यू मून आपको देखिए कितना अच्छे से बता रहा है ना कि आप न्यू मून की वजह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाले हो अपने लाइफ में। देखिए आप ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, लविंग पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो और ये सारी चीज़ें ओवर नहीं होंगी बल्कि बैलेंस होंगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा मून बाथिंग ले लीजिए। जैसे फुल मून है, न्यू मून है, ठीक है आपका? तो न्यू मून में आपको क्या करना है कि जब भी आप थोड़ा सा भी टाइम मिले, रूफ़ पे आप चले जाएं या अपने बालकनी में चले जाएं, बस वहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे आपको मून लाइट मिल सके। तो वही हो गया आपका मून बाथिंग, बस 10-15 मिनट वहाँ खड़ा रहना है। आपके मन का जो टेंशन है वो हल्का होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आप मून लाइट ले रहे हो, मून बाथिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ एक और काम कीजिए, उसके साथ साथ म्यूज़िक थेरेपी भी ले लीजिए। मतलब ईयरफोन लगा सकते हो, थोड़ा सॉन्ग सुन सकते हो, लेकिन थोड़ा अवेयर रहना है क्योंकि अगर आप कहीं बालकनी में हो, रूफ़ में हो तो अवेयर रहिए डेफिनेटली, या फिर कहीं गार्डन में हो, पार्क में हो, तब तो और अवेयर रहिए। लेकिन हाँ, म्यूज़िक थेरेपी लीजिए और मून बाथिंग कीजिए,
बहुत मजा आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका रिलैक्सेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो टेंशन चल रहा है उससे आप खुलकर सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, सी द बिगर पिक्चर, बड़े पर्दों पे देखने का सोचिए, बड़ी चीज़ें सोचिए, क्योंकि शायद आपके लाइफ में कुछ बड़ा लिखा गया है, आपके किस्मत में कुछ बड़ा लिखा गया है, और हो सकता है कि उस न्यू मून के अफेक्ट की वजह से आपको मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब इस न्यू मून में रहते हुए आप पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव आप सोच लिए पूरी तरह, ठीक है, कि हाँ मुझे ये मिल ही जाएगा, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है कि हाँ मुझे मिल जाएगा, और सामने जो है ना मून को देखते हुए कहना है, तो देखिएगा आपकी लाइफ में बड़े बड़ी चीज़ें होने लगेंगी, और जो आपने नहीं सोचा है हो सकता है कि उसके बियॉन्ड जाकर भी चीज़ें आपको मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ी कम बोल रहे हो, मतलब कम बातें कर रहे हो सकता है कि वैसे भी आप ना टॉकेटिव नहीं हो, लेकिन अगर टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बोलते भी हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत कम बोलने वाले हो और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और ठीक है, टॉकेटिव कम हो रहे हो, टॉक लेस फील मोर, अगर ये एक तरीके से गाइडेंस देखा जाए तो है आपके लिए, कि जितना हो सके आपको अपने एक्शन पे ध्यान देना है, बातें कम करनी है अपने आगे आने वाले टाइम में, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और अगर इस न्यू मून में रहते हुए अगर आपने मेडिटेशन कर लिया, तब तो और बहुत बड़ा चेंजेस होगा, बहुत ड्रास्टिक ब्यूटिफुल चेंजेस होगा आपके लाइफ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्क थ्रू योर फीलिंग, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा डरते हो किसी को खोने से, ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप उसके लिए बहुत फील करते हो, बहुत पसंद करते हो, और आपको पता है कि वो किसी के साथ हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, और बहुत बार धोखा दिया भी है, ठीक है। हो सकता है कि अभी चल रहा है नॉर्मल, या फिर झगड़ा वगैरह कुछ भी चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो अपनी तरफ से उसे नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं भूल सकती, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में चलते रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपनी फीलिंग्स पे वर्क करोगे, और आपके अंदर वो हिम्मत आएगा कि आप वैसे कार्मिक पर्सन को अपने तरफ से छोड़ के आगे बढ़ोगे, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कुछ इस तरह इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि कुछ भी चीज़ आप बिना सोचे समझे अगर करते थे, या थोड़ा बहुत सोच समझ के करते थे, ठीक है, तो हो सकता है कि आप कोई भी काम करोगे तो उसको गहराई में जाओगे, समझोगे, देखोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशन में आते हो, अगर कोई काम शुरू करते हो और थोड़ा बहुत देख लिया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, साइन कर दिया, और कुछ और ही लिखा होगा उसमें, तो आप तो फंस जाओगे, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको डीप में जाके देखना है, समझना है, और ये भी हो सकता है आपके अंदर चेंजेस कि आप ऐसा करने वाले हो, ठीक है। फॉरगिव का कार्ड है, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप खुद को माफ़ कीजिए, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, कोई बेईमानी की है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप उसको माफ़ कर दीजिए, और इससे बड़ा सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा आपके लाइफ का, क्योंकि हो सकता है कि इस माफ़ी देने के चक्कर में, गुनाह करने के चक्कर में आप फंसे हुए हो, यही सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं ना कि अगर इस साइकिल से, इस लूप से आप निकलना चाहते हो, ठीक है, तो आपको माफ़ करना होगा उस पर्सन को, तभी आपके लाइफ में एक नया चैप्टर खुलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे एक्शन पे भी हमारा लाइफ टिका हुआ होता है, फ्री विल होता है, कुछ डेस्टिनी होता है, कुछ फ्री विल होता है, तो फ्री विल को करके, अच्छा काम करके आप अपने डेस्टिनी को भी बदल सकते हो। तो बस यही कहा जा रहा है कि अभी आपका फ्री विल चल रहा है, मतलब कि जितना आप अच्छा काम करोगे उतना अच्छा होगा आपके लाइफ में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो, तो ये सिचुएशन आपके हाथ में है, आप माफ़ी दीजिए, जितने भी बुरे लोग हैं इसको अपने लाइफ से आउट कीजिए, ठीक है, और उसी तरीके से आपका लाइफ सुधर जाएगा। उसके बाद क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस वन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भी करना है डिटेल में जाके करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जिन भी लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बेईमानी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि जिसने किया है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है इस न्यू मून के वजह से। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस न्यू मून की वजह से कर्मा भी रिलीज होने वाला है, जिसके वजह से अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, टेक अ ब्रीथर, आप तो बिल्कुल एकदम खुल के ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो, अच्छे टाइम आपको मिल रहे हैं, अच्छे पल मिल रहे हैं इस न्यू मून के वजह से। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दो कार्ड है यहाँ पे, फाइंड अ बैलेंस। ओके, सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्लो के साथ तो बहना नहीं है, हर एक सिचुएशन को समझना है, ठीक है, और सिचुएशन को समझ के अपने अकॉर्डिंग ढालना है और वैसे चलना है।
तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको अपने लाइफ में खुद ही फाइंड बैलेंस करना होगा। बैलेंस को फाइंड आउट आप खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा जो है वो आपके लाइफ को आगे सुधारेगा नहीं। ये आपका लाइफ है और आपके हाथ में है, ठीक है। खुशियाँ वगैरह कैसे अपने लाइफ में लेकर आया जाए वो आपके हाथ में है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खुद ही क्रिएट करके रखी है, और इसी ब्लॉकेजेस की वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हो लेकिन आपके अंदर बहुत टैलेंट है, ठीक है। आपको देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप नहीं आगे बढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि आप तो, यह हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट हो, बहुत शाई हो, तो ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि ये सब खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए कार्ड भी है, ओपन अप टू चेंज। आपको ओपन अप होना पड़ेगा, इतना ओपन होना होगा, इतना एक्सट्रोवर्ट बनना होगा अभी के टाइम में कि आप अपने करियर को अच्छा कर पाओ, अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं पर आप ना उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो क्योंकि आप घबराते हो चेंज होने से। तो शर्माना, ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रपोज़ किया है और हो सकता है कि कभी आप रिलेशन में नहीं आए हो और आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ या नहीं आऊँ, तो इस चक्कर में रहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इसको ख़त्म कीजिए और अपने लाइफ में रिस्क लेना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने जो पर्सन है वो आपको बहुत प्यार करेगा, ठीक है। वो आपको बहुत कुछ दे सकता है। एंड यहाँ पे आपका इमोशंस बहुत अच्छा होते दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इमोशंस जो बहुत गुस्सा था, बहुत नफरत था, बहुत रिवेंज की भावना थी, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है। आपका एकदम दिमाग शांत हो रहा है और हो सकता है कि इसमें वो पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको आपके सारे इनसिक्योरिटी से पुश करेगा, ठीक है, और आपके दिमाग को भी शांत करेगा, आपको क्लियरिटी देगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और देखिए ये भी क्लियर है कि जिस तरीके से आपका दिमाग शांत हो रहा है, और शांत तभी होगा ना जब आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है, ब्लॉकेजेस हैं, ख़त्म होगा तब। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ के जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, लेट योर फियर डिजॉल्व। तो देखिए कुछ ना कुछ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हो। देखिए हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो पर्सन है वो तो आपको बहुत कुछ सुना देते होंगे, लेकिन आप डर के जो है उनको शायद कुछ नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो शायद ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। एकदम ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि सबसे पहली बात, रिलेशनशिप में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर उसने मुझे कुछ बोला है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं कुछ बोलूँ, उसे समझाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको आपको समझाना है, बोलना है, पलट में जवाब देना है, नहीं तो ना वो आपको और फॉर ग्रांटेड लेगा और बहुत लाइटली लेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो खुद ही जो है आपको अपने लाइफ से आउट कर देगा। तो इससे बेटर है कि अपना जो रिलेशन है उसमें इक्वालिटी बनाइए, ठीक है, इक्वालिटी बनाइए। और अगर डरते हो आप, जवाब नहीं दे पाते हो, तो आज से जवाब देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर वो पर्सन सच में आपकी वैल्यू करता है, प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में होगा और आप जो भी बात बोलोगे उसको वो समझेगा भी, ठीक है, वो समझेगी भी। और अगर वो अपने ईगो पे ले लिया कि तुमने कैसे बोल दिया मुझे, तो आप समझ लेना कि वो तो बस एक ऐसा इंसान चाहता है जो कि उनके ईगो को सिर्फ बूस्ट करते रहे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एज अ वही ईगो बूस्टर टाइप पर्सन समझ के अपने लाइफ में रखे होंगे, जो कि ये पर्सन जो है ना, जब मैं इस पर चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो मुझे मेरा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ईगो बूस्ट होता है, और आप डर जाते हो तो उससे भी ईगो बूस्ट होता होगा। तो अगर ऐसे कोई पर्सन है तो बिल्कुल अवेयर रहिए आप अपने लाइफ में, ठीक है। देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, डायरेक्ट फेरी के थ्रू देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इन्फॉर्मेशन? चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। वाओ, फ्रेंडशिप, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फ्रेंड्स हो सकते हैं, होंगे, जो भी हैं फ्रेंड्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, और जो दोस्त बनेंगे वो सारे ना एक फेरी जैसे ही होंगे लोग, ठीक है, बस इंसान के रूप में आएंगे लेकिन होंगे फेरी जैसे ही। तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो लोग बहुत इंकरेज भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में न्यू मून के इफेक्ट की वजह से कहीं जर्नी करोगे, और जब जर्नी में जाओगे, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिससे भी जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो नए दोस्त बनने वाले हैं ना, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में। अब ऐसा नहीं कि वो सारे ही ड्रीम्स आपके बैठ के पूरे करेंगे, लेकिन हाँ, वो सपोर्ट बहुत करेंगे,
मतलब जितना सपोर्ट देना चाहिए वो कर देंगे आपके दोस्त, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं नया ज्वाइन करने वाले हो जॉब वगैरह, तो आप सोच रहे हो कि वहाँ पे कैसे लोग आएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो लोग बहुत मतलब अच्छे लोग होंगे, बहुत सपोर्टिव टाइप पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यहाँ पे ऐसा है कहा जा रहा है ना कि कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता रहता होगा, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, जो अपने सपने हैं, तो यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं बेकारी का ख्याल ही पलाव जो है पका रही हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी ड्रीम्स देखा है, जो भी सपने देखे हैं, वो डेफिनेटली पूरा होगा, ठीक है। उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप जो चाहोगे वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने न्यू पार्टनर के साथ या फिर अपने करेंट पार्टनर के साथ भी जो है ना, आप हो सकता है कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे, हो सकता है कि वो आपके लिए समय निकाल नहीं पाते थे, आपको समय नहीं दे पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वही पर्सन आपको बहुत समय दे रहे हैं। हो सकता है वो आपके लिए कुछ बुकिंग करें, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे वो पर्सन आपको लेकर जा रहे हैं, आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको अपने हाथों से खिलाएं। सो कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, हो सकता है इवनिंग के टाइम वो बुकिंग रहेगी और आपके साथ वो पर्सन जाएंगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यस, डेफिनेटली जब आप उस पर्सन के साथ होंगे तो वो आपको एक बिल्कुल एक एंजल की तरह, फेरी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको गिफ्ट भी करें उस दिन के लिए, ड्रेसेस के पहनने के लिए दे दें, हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उस दिन जैसा आप हेयर स्टाइल करोगे वो भी उनको बहुत पसंद आएगा। तो आगे आने वाला टाइम आपके जो करेंट पर्सन है या फिर आपके लाइफ में जो न्यू पर्सन आने वाले हैं उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। बहुत इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दो कार्ड है यहाँ पे, स्टार गेजिंग का कार्ड है। सो स्टार गेजिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपका लाइफ जो है वो बहुत चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टार गेजिंग एग्जैक्टली वैसा ही, और आप बहुत ज़्यादा फ्री भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से अभी फ्री होना चाहते हो, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो उन सारे जो सवाल चल रहे हैं ना, उन सारे सवालों का आंसर आपको मिलने वाला है और आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके पंख लग रहे हैं और आप उड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है प्योर इंटेंशन, ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्योर इंटेंशन से मैनिफेस्ट करते हो ना, तो डेफिनेटली जो फेरी है वो आपको सपोर्ट करेंगी और आपके सारे जो इंटेंशन है, मैनिफेस्टेशन है, वो सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए कुछ और बना होता है। लेकिन आपका तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो किस्मत है वो बहुत अच्छा है, ब्राइट है, और जो चीज़ें चाहते हो वो मिल सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि म्यूजिशियन होगा, जो कि फ्लूट वगैरह प्ले करता होगा। और ऐसा अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और भी टैलेंटेड बनूँ, तो आप कुछ म्यूज़िक वगैरह सीख सकते हैं या फिर म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है। सो न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड कपल हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन आया है। वो ये है कि अगर आप कंसेप्शन चाहते हो, बेबीज चाहते हो, अपने वाइफ के लिए आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए, या फिर आप खुद ही देख रही हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये हो सकता है कि न्यू बेबी के जन्म होंगे, तो जब जन्म होगा तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर ये न्यूज़ सुनकर भी ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है घर में फैल चुकी हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में, जो आपके हस्बैंड वाइफ जो भी देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और भी अच्छी हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल न्यूज़। इसी न्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होती चली जा रही है, अच्छी होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको नया नया अवसर मिल रहा है, जैसे कि आपके बेबीज होंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसको नर्चर करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, आपका लाइफ थोड़ा बिजी हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या है इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए। वाह, मैंने बोला ना सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है और आपके लाइफ में भी सेलिब्रेशन आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल रेडी हो जाइए, ड्रेसअप कर लीजिए, अपने हेयर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको एक बहुत अच्छे पार्टी में बुला रहा है, इनविटेशन मिल रहा है, कोई सेमिनार, कोई इवेंट हो सकता है, वहाँ पे आपको आपके लव पार्टनर मिल जाए, हो सकता है वहाँ पे वो आपको ऑफर करे कि चलो तुम क्या मेरे साथ डांस कर सकती हो, डांस कर सकते हो, तो ऐसा कुछ होने वाला है। और वहाँ से हो सकता है कि आपका रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाए, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन,
सो प्योरिटी का कार्ड है। प्योरिटी कार्ड आपको यही बता रहा है कि जिस जिस के साथ आपका अभी रिलेशन है या फिर आगे आने वाले टाइम में जिस जिस के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा, मतलब फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है, सभी के साथ बहुत ज़्यादा प्योरिटी होगी, बहुत क्लियर टाइप होगा वो रिलेशन, ठीक है, किसी के साथ हॉच पॉच नहीं होगा, परेशानियाँ नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, गो आउटसाइड, और एक लास्ट देखते हैं यहाँ पे, ओके आ चुका है खुद ही दिस वन, ओके। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया मैजिकल गेटवे खुलते हुए दिखाई दे रहा है, नई डोर की ओपनिंग हो रही है, खैर वो बात अलग है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ना थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। बाहर क्या, तो अगर आप अपने एकदम घर में रहते हो, बंद रहते हो, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि थोड़ा बाहर निकले, अपने फ्रेंड्स के साथ निकले। ऑफकोर्स कुछ ना तो कुछ फ्रेंड्स तो होंगे ही आपके लाइफ में, लेकिन अगर आपका कहीं भी दिल चाहता है वहाँ जाइए, वहाँ घूमिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि अगर जहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है वहाँ रह के आप कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे, इन्जॉय करोगे, मस्ती करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड उसके पहले भी यहाँ पे कार्ड आ गया कि कुछ इन्विटेशन वगैरह आपको मिलने वाला है, उस इन्विटेशन में जाओगे तो आपको आपके लव पार्टनर मिल सकते हैं, लव इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली कहीं से कोई ऑफर मिलता है, कहीं दोस्त आपको बोलते हैं कि चलो घूमते हैं फिरते हैं इन्जॉय करते हैं, तो डेफिनेटली जाइए। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं उसको रिसीव करने के लिए आप पूरी तरह रेडी हो जाइए, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। देखते हैं और क्या आपको मिल सकता है न्यू मून की वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, दिस वन, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, दैट्स ग्रेट। डिवाइन टाइमिंग, बाउंड्रीज, ओके। सबसे पहले अगर कुछ लोग यहाँ पे घबराते हैं चेंजेस से, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है, और वो कुछ इस तरह चेंजेस होगा जैसे आप हमेशा चाहते थे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका लाइफ पूरी तरह बैलेंस होने वाला है। ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि न्यू मून है, और न्यू मून है तो आपके ये जो अफर्मेशन है सुने भी जाएंगे। ज़रूर लिखिए, आई नर्चर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्दी फूड्स, ठीक है। अगर कुछ लोगों का हेल्थ भी ख़राब है तो यहाँ पे ये आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। आप हो सकता है कि अभी अपसेट हो, इमोशनली बैलेंस नहीं हो, तो वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आपने किसी को कॉल मैसेजेस किया है और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है वहाँ से, तो ऐसा हो सकता है कि वो अब आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, क्योंकि उनके मन में भी जो गिले शिकवे थे, गुस्सा था, वो सब ख़त्म हो गया है और वो अब आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि काफ़ी जल्दी करें। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका किसी के साथ रिलेशन बहुत ख़राब है, तो उसमें ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप भी लॉयल नहीं थे, वो भी लॉयल नहीं थे, तो ये चांसेस है कि दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, चाहे आपकी फैमिली हो गए या रिलेटिव हो गए, रिलेटिव स्पेशली बहुत ज़्यादा हेट फील करते हैं या जेलस फील करते हैं, है ना, तो रिलेटिव भी इवन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर का जो डर है, फियर, डर के जो है अपनी बातें नहीं बोल पाते हो, घबरा जाते हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और काफ़ी अच्छे से आप बातें भी कर रहे हो, काफ़ी कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके खुद के इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं सिचुएशन में भी, और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, मतलब आप हेल्दी भी हो रहे हो, प्रॉस्परस भी हो रहे हो और हैप्पी भी हो रहे हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड enjoy ऑल ऑफ द गिफ्ट दैट कम इन टू माई लाइफ, मतलब जो भी यूनिवर्स की तरफ से आप गिफ्ट को जो भी रिसीव करने वाले हो, वो सारी चीज़ों के लिए आप पहले ही थैंकफुल हो जाइए। यहाँ पे लिखिए कमेंट में, आई हैव ग्रैटिट्यूड, 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 क्योंकि आपका लाइफ जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जॉयफुल होने वाला है, जॉयस होने वाला है, और आपकी लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है न्यू मून की वजह से, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है, डिवाइन टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया भी है ना, तो यही है, ये जो न्यू मून चल रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि अगस्त के टाइम में आपका रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट जो है आपके फेवर में आएगा। कोई पेंडिंग चल रहा है तो हो सकता है रिजल्ट अगस्त में आएगा, और वो आपका डिवाइन टाइम है, और जो भी होगा वो आपकी फेवर में होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यू हैव गुड फॉर्च्यून दिस टाइम। ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून में आपका जो फॉर्च्यून है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो भी चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर दी, या कोई रिजल्ट वगैरह कुछ भी पेंडिंग है, तो वो सब क्लियर हो रहा है अगस्त के मंथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है, तो माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड बैलेंस, ये चाहते हैं यूनिवर्स के, आप ज़रूर कमेंट में लिखें।
आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, आई एक्सरसाइज रेगुलर। देखिए आप बताइए कि कौन कौन एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है आप मेडिटेशन नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप शुरुआत तो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पहले कुछ नहीं था एक्सरसाइज जैसे कुछ भी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे तो सब करने लगे, तो फिर आप क्यों पीछे हो, आपको भी करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बॉडी के लिए अगर बहुत अवेयर हो, बहुत चिंतित हो, ठीक है आप चाहते हो कि मेरी एजिंग रुक जाए, मैं एकदम यूथ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लगूँ, या लड़के हो या लड़की किसी के लिए भी है जो भी देख रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए। मेडिटेशन तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको बाद में कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो और थोड़ा ईजी लगेगा आपको, ठीक है। वैसे ईजी होता है मेडिटेशन, लेकिन अगर आप करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूर कमेंट में लिखिए आई एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आपका दिल करता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, आप बस इतना बोलिए, यूनिवर्स जो है वो आपकी लाइफ में टाइम निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। ऐसा होता है तो इस तरह से मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है आई एंजॉय माई मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कैसे होगा कैसे होगा, अगर कैसे सोचते रहोगे तो दिक्कत होगा, लेकिन बस इतना आप सोच लीजिए कि मैंने बोल दिया है यूनिवर्स को, यूनिवर्स मेरे लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल ही देंगे फ्री टाइम, और उसमें मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा। और आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है बाउंड्रीज। आगे आने वाले टाइम में ऐसे किसी भी लोग को अपने लाइफ में आप इंटर नहीं करने दोगे जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। वैसे सारे लोग आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय हो रहे हैं, और आप अपने लाइफ को निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो, और पूरी तरह शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड जो है अपने तरफ लगा ले रहे हो, ठीक है, ताकि कोई भी मेरे लाइफ में इंटर ना कर सके ऐसा वैसा कोई भी लोग, ठीक है। देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, मरमेड कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे पॉजिटिविटी। सो हो सकता है कि इस साल में आप जितना पॉजिटिव अभी तक रहे नहीं हो, रहे होगे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपका और भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, ये जुलाई से लेके पूरा साल, ठीक है। सो पॉजिटिविटी आपके तरफ आ रही है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके तरफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी आपके पास है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो। तो यहाँ पे आप अपने सारे बंधनों से, मोह माया से, ठीक है, उन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो, और जो भी अच्छे लोग हैं जो कि आपको बांध के नहीं रखते हैं, उन सारे लोगों के साथ रहोगे, फ्रीडम रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि किसी से शादी हो गई, आप उसके साथ खुश नहीं हो, डिवोर्स चाहते हो, तो डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। और अबंडेंस का कार्ड है, तो जो भी लोग नया प्रॉपर्टी, घर कुछ खरीदना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है, रेसिडेंस में चेंजेस चाहते हैं, कुछ नई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि या तो आपको गिफ्ट मिले, या फिर हो सकता है कि आप खुद से खरीद रहे हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, पैसे धन दौलत आ रहे हैं। उसके बाद ब्रेक फ्री, देखिए एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि शायद आपका बहुत दिन से पेमेंट वगैरह आपको नहीं मिला है, तो आगे आने वाले इस लास्ट जुलाई में, अगस्त के मंथ में आपको आपका पेमेंट बिल्कुल मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। पेशेंस, तो ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो पेशेंस भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लव का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके लव पार्टनर है, जो आपके डिस्टेंट पार्टनर है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, पहले तो उनके साथ फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है कि आपके लाइफ में लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, ट्रू पार्टनर आ रहा है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों का सोलमेट आ तो रहा है, लेकिन सबसे पहले उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, फ्रेंडशिप होगी, देन आप दोनों के बीच में क्या होगा, लव बाउंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे से प्यार होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अबंडेंस हर तरीके से आ रहा है, प्यार में भी प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और देख लेते हैं फोर कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहला ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पे, आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, किसी ने कोई भी झूठ बोला है, ठीक है, आपको बहकाने की, बर्बाद करने की कोशिश की है, तो उसकी सच्चाई जो है आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है, और आप उस पर्सन को खुद अपने लाइफ से हटा रहे हो, और आप अपने आप को बिल्कुल रीएनर्जाइज कर रहे हो, किसी के लिए भी ज़्यादा रो रहे हो, धो रहे हो नहीं, ठीक है, आप सिर्फ अपने लाइफ को जी रहे हो, और आप अपने लाइफ में बिल्कुल ट्रुथ पे चल रहे हो,
मतलब सच्चाई पे चल रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो है बहुत ब्रेकअप में चोट लगता है ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इसने मुझे कैसे धोखा दे दिया। लेकिन आपको अगर कोई धोखा दिया है, कोई झूठ बोला है, कुछ भी है, तो आप उस चीज़ को काफ़ी आराम से एक्सेप्ट कर रहे हो और काफ़ी जल्दी मूव ऑन भी कर रहे हो, मे बी 10-15 डेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना, आपको एक जब एक सॉलिड रीज़न मिलता है तो आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हो। उसके बाद आपका लाइफ बहुत रिलैक्सेशन में आ रहा है, बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड लास्ट वन, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, हो सकता है किसी के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपके पिक्चर्स को अपने हाथों में लिए हैं, या फिर अगर पिक्चर्स नहीं है तो फ़ोन है उनके हाथ में, ठीक है, और उस फ़ोन में आपके ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं और वो आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, ठीक है। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो बहुत दुखी भी हैं, वो बहुत शर्मिंदा भी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने लाइफ को फिर से इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है क्लाउड्स? सो अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, इतना जान लीजिए कि वो सारी चीज़ें क्या हैं, टेम्प्ररी प्रॉब्लम है, और वो सारे टेम्प्ररी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मे बी आपका अप्रैल में हो सकता है बर्थडे आता हो, और अप्रैल में अगर आपका कोई प्लान जो है अनसक्सेसफुल रह गया, हो सकता है कि अप्रैल में कोई एग्ज़ाम दिया वो अनसक्सेसफुल हो गया, हो सकता है फिर से अब एग्ज़ाम होगा और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दूसरी बात, यहाँ पे रेनबो का कार्ड है। रेनबो कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे थे वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रहे हैं, और आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो भी ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। सो आपने जो मेहनत किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको आगे आने वाले टाइम में अगस्त या फिर अक्टूबर तक आपको मिलकर रहेगा। एंड यहाँ पे है आपके लिए, दो लास्ट दूंगी मैं, सेलिब्रेशन है, फन है, इंजॉयमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, ओके वो आउट हो चुका है, ये देखते हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बिल्कुल एकदम सही पाथ पे अपने लाइफ में चल रहे हो, और आपको भी फील होता होगा कि हाँ, ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है और ये मुझे बहुत तरक्की देगा। तो डेफिनेटली इसके लिए बिल्कुल आपको श्योर करना चाहते हैं भगवान कि यस, तुम जिस राह पे हो वो तुम्हें बहुत पैसे भी देगा, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा, बिल्कुल तुम राइट पाथ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अभी सही हो, जो भी करना चाहते हो, जो भी अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर आपके मन में कोई चल रहा है डिसीजन तो, ठीक है, डेफिनेटली लीजिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो इस तरह की रीडिंग आया है, न्यू मून की वजह से इस तरह से इफेक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ में। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब करके अपना छोटा सा एफर्ट लगा सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।